अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूँ हया खान और आप सबको खुश आमदीद कहते हैं FM 100 इस्लामाबाद स्टेशन से। आपको बताते चलें कि हम अहंग फॉर राइट्स हुकूक सीरीज शोहू फाउंडेशन के तआवुन से पेश किया जा रहा है। आज हम बात करेंगे कानून साजी में सनत के किरदार के हवाले से। आपको बताते चलें कि शोहू फाउंडेशन फॉर एजुकेशन एंड अवेयरनेस हम अहंग फॉर राइट्स प्रोजेक्ट के तहत यंग पार्लियामेंटेरियंस फोरम ऑफ नेशनल असेंबली के तआवुन से रेडियो प्रोग्राम हक सीरीज जो ये पेश किया जा रहा है। प्रोग्रामों का ये सिलसिला मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियंस पर मुश्तमिल नशर किया जा रहा है और जिसका मकसद अवाम को पार्लियामेंट में अपने नुमाइंदों से जोड़ना और इंसानी हकूक से मुतलिक मसाइल के बारे में आगाही में इजाफा करना। पाकिस्तान में होने वाली खिलाफ वर्जियों के अलावा अरकान पार्लियामेंट और आम अवाम के दरमियान मौजूद इल्मी खलीज को जो है वो खत्म करना है और इसके अलावा आईनी इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जी के मसाइल को हल करना और रवाबित फरहम करने के लिए पार्लियामेंट दीगर तंजीमों के काम के बारे में, ताकि इनके मुंतखब नुमाइंदे ऐवान में अपनी जो आवाज है वो उठा सके। इसी सिलसिले के एक हिस्से के तौर पर आज कानून साजी के कारोबार में सेनेट के किरदार पर बात करेंगे और हमारे लिए एजाज है कि डॉक्टर करीम अहमद ख्वाजा साबिक सेनेटर और चेयरमैन सिंध मेंटल हेल्थ अथॉरिटी हैं। सेनेटर करीम ख्वाजा एक मुमताज सियासी रहनुमा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरगर्म रुकन हैं और 2013 से 2018 तक सेनेटर रहे। अस्सलामु अलैकुम सर, आप कैसे हैं? मेहरबानी आपकी FM 100 की, आपकी क्या आपने मुझे टाइम दिया और मैं कोशिश करूंगा कि लोगों तक आगे ही जाए। जी सर, हम आपको अपने शो में खुश आमदीद कहते हैं और सर आज का जो टॉपिक है, जैसे कि ह्यूमन फॉर राइट्स ये हम अहंग जो है सीरीज जो चल रहा है, हकूक सीरीज जो चल रहा है, इसमें और शोहू फाउंडेशन के तआवुन से भी पेश किया जा रहा है। सर क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, यानी सबसे पहले मैं आपसे दरख्वास्त ये करूँगी कि आप हमारे सामईन के साथ और व्यूवर्स भी, क्योंकि हमें फेसबुक जो हमारा पेज है वहाँ पर देख भी पा रहे हैं हमारे व्यूवर्स, तो आप हमारे जो लिसनर्स हैं, जो व्यूवर्स हैं, उनके साथ पाकिस्तान के कानून साजी के निजाम को शेयर कर सकते हैं। मेहरबानी शोहू फाउंडेशन का भी और दीगर दोस्तों का भी। पाकिस्तान में बाइकैमरल सिस्टम है, अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस को हम सेनेट कहते हैं और लोअर हाउस को नेशनल असेंबली कहते हैं। जी। जो लॉ बनता है वो सेनेट में भी पहले बनकर फिर नेशनल असेंबली में जाता है, या नेशनल असेंबली से बनकर सेनेट में आता है। ये दोनों सिस्टम हमारे इस मुल्क में लागू हैं और सबसे पहले मिसाल के तौर पर मैं समझाने के खातिर कि कोई सेनेटर अगर चाहता है कि भाई, एक होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से लॉज आते हैं जी। और वो नेशनल असेंबली से आते हैं या सेनेट से आते हैं, कहीं से भी आए, और फिर वो अपना हाउस में प्रेजेंट होते हैं, फिर वो चले जाते हैं अपना स्टैंडिंग कमेटी में जी। वहाँ डिस्कशन होता है, पब्लिक हियरिंग्स होती है, एक कलेक्टिव विजडम बनता है, उसके बाद जो है वो दोबारा स्टैंडिंग कमेटी से होकर पार्लियामेंट में आता है, मतलब सेनेट में आता है, और वहाँ जो है फिर वो या रायशुमारी होती है या यूनानिमिटी होती है या मेजॉरिटी पर वो पास होकर फिर दूसरे आवाम में चला जाता है जी। एक तो ये सिस्टम है, तो एक होता है कि प्राइवेट मेंबर डे, प्राइवेट मेंबर बिल, उसमें जो है कोई भी सेनेटर अपनी मर्जी से बिल पेश कर सकता है पार्टी से मुशावरत करके, तो और फिर वो जो है इसी प्रोसेस के तहत पहले तो वो जमा करता है सेनेट में, फिर वो उसकी कुरंदाजी होती है, कुरंदाजी के बाद वो जिस प्राइवेट मेंबर डे होता है हफ्ते में एक दिन, वो आता है, फिर वहाँ से वो गवर्नमेंट से पूछते हैं, डिबेट होती है, अगर गवर्नमेंट भी राजी हो नहीं भी हो वोटिंग होती है, और देन इट गोज टू स्टैंडिंग कमेटी एंड फ्रॉम स्टैंडिंग कमेटी वहाँ कलेक्टिव विजडम के तहत चीज़ें चलती हैं, उसके बाद जो है दोबारा पार्लियामेंट में आती है सेनेट में, और उसके बाद
पास हो या न हो, दोनों सूरतों में अगर पास होता है तो वो चला जाता है नेशनल असेंबली में। अगर नेशनल असेंबली में पास नहीं हो, सेनेट में पास होकर नेशनल असेंबली जाता है, नेशनल असेंबली में अगर पास नहीं हो तो फिर वो जॉइंट सेशन में चली जाती है। सही। तो ये एक प्रोसीजर है जो मैंने आपके सामने रखा। सही। अच्छा सर, जैसे कि आप सेनेट का हिस्सा रहे हैं, इसलिए क्या बराए करम हमारे सामीन को, हमारे व्यूवर्स को उनके साथ शेयर करेंगे कि आप कानून साजी के काम में सेनेट के किरदार को कैसे देखते हैं? देखिए, सेनेट जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है, इसलिए कि हमारे पास चार सूबे हैं जी। चार सूबों में पंजाब, सिंध, खैबर पश्तूनख्वा, बलूचिस्तान जी। तो वहाँ जो है पॉपुलेशन की जो बड़ा फ़र्क है, जो पंजाब की पॉपुलेशन है बलूचिस्तान की बहुत कम है, इसी तरह सिंध और खैबर पश्तूनख्वा जी। तो मिसाल के तौर पर ये इसलिए बनाया गया, जो हमारे बनाने वाले थे उस ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद और उनके साथ दीगर पॉलिटिकल पार्टीज, कि अगर मिसाल के तौर पर एक बिल पास हो जाता है मेजॉरिटी से तो जो जो सेनेट में तो बराबरी की बुनियाद पर है, कि बलूचिस्तान की भी 23 सीटें हैं, 24 सीटें हैं, तो सिंध की भी 24 हैं, पंजाब की भी 24 हैं, और वहाँ खैबर पश्तूनख्वा की भी इतनी है, तो उनको एक तरह से मतलब ओवरसाइट हो सकती है जी। और वो अगर किसी सूबे को पसंद नहीं है तो रुक भी सकती है। तो एक तो ये बात है, दूसरी ये फेडरेशन की अलामत है, क्योंकि बराबर जो है उसमें जो है सीट्स हैं। अभी उसमें आगे चलकर मिसाल के तौर पर एक मैं आपके सामने एक मिसाल दूं कि 71 में ये हादसा हुआ ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का जी। पर अगर उस जमाने में डेमोक्रेसी होती, अगर पार्लियामेंट होती या सेनेट होती, जो कि नहीं थी, तो हो सकता है कि पाकिस्तान बच जाता। बिल्कुल, ये एक हाइपोथेटिकल बात है, इफ एंड बट की बात है, मगर मिसाल के तौर पर ये एक तरह से आप देखें कि इस बाई कैमरल सिस्टम में ये फायदा है कि अगर या अगर मिसाल के तौर पर जोड़ सकती थी दोनों विंग्स को, तो सेनेट जो बाद में बनी और शुरू से जब से पाकिस्तान बना, बदकिस्मती से कायदेजम का इंतकाल हो गया एक साल में, और उसके बाद जो है चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकी, मगर ये 73 के बाद ये एक तरह से वफा को यूनाइट करता है, और उसमें फिर CCI भी बन गई कॉन्स्टिट्यूशन में, तो सूबों को एक अच्छे अख्तियार मिल गए, दीगर चीज़ें भी आ गई, NFC के इकोनॉमिकल कोऑर्डिनेशन काउंसिल बन गई, तो ये सब चीज़ें जो हैं सेनेट और नेशनल असेंबली और पाकिस्तान के आवाम को जोड़ने की ये एक अच्छी कोशिश है, और जैसे बहुत हद तक फ़ायदा भी हुआ है जी। बिल्कुल ऐसा ही है। ओके जी, लिसनर्स एंड व्यूअर्स, आपको बताते चलें कि हम अहंग फॉर राइट्स कुक सीरीज आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं FM 100 इस्लामाबाद स्टेशन से। शोर फाउंडेशन के तावन से ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। आज हम बात कर रहे हैं कानून साजी में सेनेट के किरदार के हवाले से। हमारे साथ डॉक्टर करीम अहमद ख्वाजा मौजूद हैं, साबिक सेनेटर और चेयरमैन सिंध मेंटल हेल्थ अथॉरिटी। और क्वेश्चन सर मेरा आपसे ये है कि हाउ यू सी डिफरेंट चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग द लॉस, यानी आप कवानीन के निफाज की अगर हम बात करते हैं उसमें मुख्तलिफ चैलेंजेस को कैसे आप देखते हैं? देखिए, चैलेंजेस है, एक पहली बात ये है कि सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ये बिल कोई भी है वो बड़ी मुश्किलों से कलेक्टिव विजडम से एक हाउस पास करता है, फिर दूसरा हाउस पास करता है, उसके बाद जो है लॉ ये कहता है कि प्रेसिडेंट पाकिस्तान की साइन करनी होती है, वो भी एक टाइम पीरियड अगर नहीं है तो वो लॉ बन जाता है जी। उसके बाद ये एक्ट तो बन जाता है, मगर फिर उस मिनिस्ट्री को लॉ बनाना होता है, लॉ रेगुलेशंस बनाने होते हैं, ये डिस्क्रिशन उसी मिनिस्ट्री की होती है जी। उसके बाद जब वो कैबिनेट पास करती है, उसके बाद वो नोटिफाई होता है गजट में जी। मिसाल के तौर पर मैं एक समझाने के खातिर ये चीज़ कर रहा हूँ कि भाई अगर ट्रांसजेंडर का लॉ बन गया, दोनों ऐवान ने पास किया, प्रेसिडेंट साहब ने साइन की,
उसके बाद वो कंसर्न मिनिस्ट्री को उसके रूल्स रेगुलेशन ह्यूमन राइट्स की वो बनाने हैं, वो बन गया, उसके बाद नोटिफाई होते हैं जी। अच्छा, नोटिफाई होने के बाद बहुत सी चीज़ें होती हैं, मिसाल उसमें मुख्तलिफ पोस्टें होती हैं, मुख्तलिफ सूबों में उसके दफ्तर खोलने होते हैं या दीगर, उसके बाद बजट होनी चाहिए, बजट गवर्नमेंट की तरफ से आ जाए, उसके बाद वहाँ रिक्रूटमेंट्स होती हैं थ्रू कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, क्योंकि फेडरल का इदारा है जी। अच्छा, उसके बाद जो है इम्प्लीमेंटेशन, मिसाल ट्रांसजेंडर का बिल तो आ गया मगर अभी भी ट्रांसजेंडर लोग हैं, ट्रांसजेंडर जो भी हैं उन पर मसले मसाइल हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन में बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं। ये एक बिल की बात नहीं है, मैं मुख्तलिफ बिल्स, मुख्तलिफ चीज़ें, वुमेंस का जो है मिसाल के तौर पर हरासमेंट वाला है जी, या बच्चों की प्रोटेक्शन का है, या स्पेशल जो है लोग हैं उनका जो इशूज हैं, या जो है मुख्तलिफ इशूज हैं एजुकेशन के हवाले से या दीगर चीज़ों के हवाले से, बिल्स बड़ी मुश्किलों से पास होते हैं ऐवानों में जी। कभी कभी वो जॉइंट सेशन में भी चले जाते हैं। सही। उसके बाद जो है इम्प्लीमेंटेशन आती है, बजट्स सबसे बढ़कर होती है, क्योंकि बिल पास हो जाए बजट नहीं तो बेकार है चीज़ें। तो ये चीज़ें हैं पाकिस्तान के माशरे में, यकीनन ये दूसरे माशरों में भी है जी। मगर फिर भी एक कलेक्टिव विजडम है और डेमोक्रेसी है तो इट्स अ गुड थिंग जी। बिल्कुल सर, आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ यानी योर पार्लियामेंट्री बिजनेस इस मुद्दत के दौरान जो आपने बतौर सेनेटर खिदमात अंजाम दी उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने प्राइवेट मेंबर डे पर विद द कंसर्न ऑफ माय पार्टी 12 चीज़ें मैंने इंट्रोड्यूस की थी जी। ट्रांसजेंडर भी, मैं, मेरे साथ 3 और फीमेल सेनेटर्स थी और मेरा अलग था। उसके बाद जो है एक जो बिल था वो बड़ी मुश्किल से पास हुआ, वेलफेयर ऑफ वो बच्चे जिनके वालिद और वालदा का पता नहीं है, वो भी मैंने पास करवाया। सही। एक जो है वो बैतुलमाल में जो स्पेशल बच्चों का इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए, एक जो है मैंने 325 करवाया। 325 ये अंग्रेज के दौर का कानून है 1861। अच्छा। उसमें जो एक तो सुसाइड करके जो लोग हलाक हो जाते, जो बच जाते हैं उनकी सजाए 1 साल सजाए, 1 लाख तक या 50,000 तक जुर्माना है। हमने कहा कि भाई ये तो बीमारी है, मैं खुद साइकेट्रिस्ट हूँ तो ये बंद होना चाहिए और ये रियासत माँ है, तो वो सेनेट में पास हो गया। और पांचवा जो है 90 साल की तारीख में यकीनन दोस्तों की मेहरबानी, पार्टीज की मेहरबानी, जानवरों के हवाले से जो अंग्रेज का जो कानून था जी। उसमें हमने रद्द बदल किया, तो ये 5 बिल तो हमारे पास हुए उसमें अपना। और छठा बिल, सॉरी, जो बड़ा इम्पोर्टेंट, डेट वाज साइबर क्राइम का, तो ये भी मेरी तरफ से आया था, फिर गवर्नमेंट का आया, फिर वो क्लब हुआ, फिर पास हो गया, तो उसमें सबको क्रेडिट जाते ही। वैसे ये क्रेडिट जो भी पास हुए, दूसरे ऐसे थे 7 खंड बिल जो पास नहीं हुए जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें थी, जिसमें हमने कहा कि वो जो रोटी कपड़ा मकान हर आदमी को मिले जी। वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी। लैंग्वेजेस का बिल था जी। मैं चाह रहा था कि उर्दू के साथ सिंधी है, ये पंजाबी है, सराइकी है, पश्तो है, ब्रावी है, बलोची है और हिंदको है, इसको नेशनल जबान का स्टेटस मिले। हिंदुस्तान में तो 22 जबानों का है जी। वो नहीं हो सका मगर इंट्रोड्यूस ज़रूर हुआ। इस तरह के दूसरे जो इंटरनेशनल जो हमारे पैक्ट होते हैं वो रेक्टिफाई होने चाहिए सेनेट में, वो भी नहीं हो सका। और मुझे चीज़ें याद नहीं है, मगर अब जब मैं लौट कर गया तो मैं सिंध मेंटल हेल्थ अथॉरिटी का चेयरमैन बना। ये एक बिल से रिलेटेड बात है इसलिए मैं कह रहा हूँ, और इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे मुल्क के लिए जी। अब मसला ये है कि बहुत से लोगों को ये पता नहीं है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा पढ़ा है कि मुसलमान कौन है और नॉन मुस्लिम कौन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है 73 में जी। तो उसमें जो नॉन मुस्लिम अगर आप देखेंगे सेक्शन में तो उसमें है कि भाई क्रिश्चियन है, भाई है, पारसी है, फलाने फलाने हैं,
ہندو ہیں, اور آخر میں وہ انہوں نے لفظ لکھا ہے شیڈول کاسٹ جی ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ہے. پھر میں نے کہا, پھر جب میں نے سندھ میں دیکھا کہ ہمارے پاس سوسائڈس خاص طور پر تھاپارکر میں زیادہ ہو رہے ہیں, اس پر پھر ہم نے جو ہے اس پر ساؤتھ ایشیا میں پہلی دفعہ مختلف اداروں سے مل کر ہم نے ایک سوسائڈل ایٹاپسی آف دا سوسائڈ پیشنٹ کی. میں نے یہ قبر کشی نہیں ہوتی ہے, اس میں جو سوسائڈ کر جاتا ہے یا کر جاتی ہے اس کے فیملی, اس کے بچے, اس کے رشتہ دار, ان کے واسطے دار, ان سے ایک سوال نامہ ہوتا ہے جو کہ انٹرنیشنلی ہم نے مختلف ملکوں سے اور مختلف اداروں سے بڑے بڑے, جس میں ڈو یونیورسٹی ہے, لیاقت یونیورسٹی ہے, میڈیکل سائنسز ہے, کراچی یونیورسٹی ہے, سندھ یونیورسٹی ہے, مختلف اداروں سے مل کر ہم نے وہ سوال نامہ بنایا. اور پھر تھر فاؤنڈیشن نے ہماری مدد کی, وہاں جو اینگرو والے ہیں جو کول نکالتے ہیں, اور تین چار مہینے کا پروسیس کیا. وہاں ہمیں پتا چلا کہ سوسائٹیز مسلمانوں میں بھی ہو رہے ہیں, نان مسلمز میں بھی ہو رہے ہیں. نان مسلمز میں شیڈول کاسٹ کے زیادہ ہیں, جس میں بھیل, کولی, میگھواڑ. اچھا, مزے والی بات یہ کہ جب پاکستان بنا تھا تو جی. اس وقت جو ڈیموگرافیکل پاپولیشن اس طرح تھی کہ ایسٹ پاکستان میں 21% یا 23% نان مسلمز تھے. صحیح. ہمارے پاس اس ویسٹ پاکستان میں چار صوبے, اس وقت تین صوبے تھے, بلوچستان کی اسٹیٹس کچھ اور تھا, تو اس وقت شاید 21% تھے. صحیح. مگر پھر اس وقت بنگلہ دیش ہم سے الگ ہو گیا, مگر ابھی وہاں 17 یا 16% ہے. ہمارے پاس 3 یا 4% ہے سارے پاکستان میں انکلوڈنگ بلوچستان. تو اس میں بھی میجورٹی جو ہے وہ ہے شیڈول کاسٹ کی, جس میں کولی, میگھواڑ, بھیل, جس کو دوسرے لفظ میں انٹچبلس کہتے ہیں. لفظ بڑے خراب ہیں مگر یہ لکھے پڑے ہیں, اور یہ ہم نے نہیں لکھے ہیں. جب پاکستان بنا تھا, ہندوستان پاکستان کا پارٹیشن ہوا تھا, تو اس وقت یہ جو ہے لفظ 35 کے ایکٹ کے تحت یہ ہمارا ہوا تھا نا, 1935, اس میں یہ لکھا پڑا ہے. تو جب ہندوستان نے اپنا کانسٹیٹیوشن بنایا 52 میں, اس وقت جواہر لال نہرو اور یہ ڈاکٹر امبیڈکر, انہوں نے ان کے لیے اسپیشل کوٹا اور یہ سب چیزیں رکھی جو شیڈول کاسٹ کی. ہمارے پاس یہ ہوا کہ بھائی جو ہم نے 6% کوٹا رکھی 48 یا 51 کے بعد یا 52 کے بعد. ہمارا کانسٹیٹیوشن تو 73 میں بنا, مگر پھر 98 میں یہ ہوا کہ جو اس وقت سرکار تھی اس نے ان کی 6% ختم کر کے 5% کر دی نان مسلمس کے لیے, جس میں کرسچنز بھی آتے ہیں اور ہندو بھی آتے ہیں, شیڈول کاسٹ بھی آتے ہیں, فلانے بھی آتے ہیں, فلانے بھی آتے ہیں. تو یہ پوزیشن ہے. تو پھر میں نے یہ دیکھا ایز اے سائیکیٹرسٹ, تو میں نے پھر پپس والوں کو کہا یار آپ بنا کر دیں, پھر وہ بل بنا کر دیں کہ ان کم سے کم پریزنٹ تو ہو. میں تو سینیٹر نہیں تھا ہوں اس وقت, اس وقت مجھے پتا ہوتا تو میں کر دیتا. پھر میں نے بنا کر ان کو الف بے جیم جو لوگ تھے ان کو میں نے دیا کہ بھئی آپ ٹیبل کریں, پر انہوں نے شاید ٹائم نہیں ملا ہوگا یا انٹرسٹ نہیں لیا ہوگا. پھر میں نے منسٹری لا کو بھی جو تھے ان کو بھی بھیجا, جو کہ اسٹیٹ منسٹر صاحب تھے, تو وہ نہیں ہوا. تو مطلب یہ ایک پاکستان کا ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ 30-40 لاکھ لوگ ہیں جو کہ اس زمرے میں آتے ہیں, اور ہمیں فیوچر میں جو بھی حکومت آئے بامے پیپلز پارٹی یا اور ان کو یہ چیزوں کو ڈیفائن کرنا پڑے گا آگے چل کر. تو انوائرمنٹل ایشوز ہیں. جب میں سینیٹر تھا اور پاکستان کو میں نے جنیوا میں ریپرزینٹ کیا ورلڈ ہیلتھ کانفرنس میں, تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ یہاں وعدہ کریں پاکستان کی طرف سے کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کے لیے پارلیمنٹ میں ریزولیوشن آئے گا. تو پھر میں نے وہاں جب لوٹا تو پھر میں نے رضا رمانی تھے ہمارے چیئرمین, تو میں نے کہا بھائی ہم نے کمٹمنٹ کی ہے. تو پھر سینٹ میں یونانیمسلی ہر پارٹی نے سپورٹ کی. اس کے بعد ہر صوبے میں جو ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول جو پاکستان کو اچیو کرنا ہے تو وہ یونٹس کو لے کام ہو رہا ہے. اس طرح دیگر جگہوں پر جہاں بھی ریزولیوشنز ہم نے پاس کیے کہ بھائی یہ جو شکار ہو رہے ہیں سائبیرین برڈز آتے ہیں اس پر بھی کنٹرول ہونا چاہیے. انوائرمنٹل ایشوز کے حوالے سے
दूसरी बात यह कि मैं तीन कमेटीज का हेड रहा हूँ, कन्वीनर रहा हूँ सब कमेटी का। एक थी सी इंट्यूशन की, मेरा ताल्लुक सुबह सिंध के साउथ इलाके से है, तो वहाँ सी इंट्यूशन बहुत हो रही है। हमारी कम से कम 15-20 लाख एकड़ ज़मीन सुबह सिंध की समंदर खा गया है। उसका रीज़न ये है कि तेरासन का पानी नहीं जाता है समंदर में, तो वो सारी चीज़ें नीचे पानी खारा हो रहा है, और बलूचिस्तान को भी ये इशू है। तो वो कमेटी बनी जिसका हेड मैं था कन्वीनर, और जनाब सराजुल हक जो जमात इस्लामी के अमीर है वो सेनेटर थे उस वक्त, और मोहसिन लगारी साहब जो कि आजकल पीटीआई में है, उस ज़माने में वो शायद नून में थे या इंडिपेंडेंट थे, तो वो हम तीनों थे। फिर हमने ये सारे पाकिस्तान का कोस्टल एरिया सीर क्रिक से लेकर ग्वादर तक हम गए, और वो सारी कंप्रेहेंसिव रिपोर्ट बनाई, और फिर वो रिपोर्ट सेनेट ने अडॉप्ट की, जिस पर फिर हुकूमत ने 70 करोड़ रुपया इसकी तहकीकात के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री पर रखा। अभी तो शायद बढ़ गया है, एक मेरे ख्याल से 70-80 अरब उसकी तहकीकात के लिए रखा कि भाई ये तहकीकात होगी, ये 16-17 की बात है। उसके बाद हम तो नहीं रहे, मगर ये कि ये कंट्रीब्यूशन है कि उसकी रिसर्च के बुनियाद पर पता चलेगा कि क्या पाकिस्तान को करना चाहिए, जिसमें पाकिस्तान नेवी भी इन्वॉल्व थी इस सारे हेल्प करने में। दूसरी बात यह है कि एक कमेटी जो मैंने जिसका मैं कन्वीनर था वो 1.5-2 साल चली, वो ये था कि मैं चाह रहा था कि जो 47 में हमारे पास यहाँ से लोग चले गए थे, पंजाबी हिंदू सिख पंजाबी सिंधी हिंदू इसी तरह पारसी है या दीगर कम्युनिटीज़ के लोग जो नॉन मुस्लिम्स थे या मुसलमान भी कुछ चले गए थे, वो 190 मुल्कों में या 160 मुल्कों में सेटल हुए। हम चाह रहे थे कि वो इसलिए मेरे जहन में आया कि जब माओ ज़ेडुंग का इंतकाल हुआ तो चाइना बहुत पीछे था फाइनेंशियली, तो चाइना ने ये किया कि डिंग शाओपिंग ने कि जब 48 में जब चाइना आज़ाद हुआ तो उस वक्त भी यही पोजीशन थी जो हमारी थी, तो वो जो चाइनीज चले गए थे ताइवान और सारी दुनिया में, उसको उसने कहा कि भाई आकर आप इन्वेस्ट करें, आप सन ऑफ सॉइल हो, सन ऑफ डॉटर ऑफ सॉइल हो, आप यहाँ आए। तो उस वजह से ये जो आज चाइना पहुँचा उसमें उनका सारा 60-70% रोल है, उसके बाद सारी दुनिया आई, मगर पहले तो वो आए जी। तो मेरे जहन में भी यही था, गवर्नमेंट ने सपोर्ट की इस चीज़ की उस ज़माने में जो भी थी, और ये हमने कमेटी ले आउट की कि भाई इस पर रिलीजन टूरिज्म में भी हमें पैसे आ सकते हैं, जो गए हैं वो आए अपने घर देखें। और मैंने तो ये कहा था कि हिंदुस्तान ने तो यहाँ तक किया है कि उनको सिटीजनशिप भी दे दी है, हम कोई गया वो आएगा नहीं, मगर हम उनको ये सब चीज़ें देंगे भी, कारोबार भी शुरू हो जाए और हमारे लिए सर्वाइवलिटी होगी। आपको पता है कि थाईलैंड में जो मार्केट है गोश्त की वो पश्तून उसमें है, पश्तून 100 साल से रहते हैं, इसी तरह हमारे सिंधी जो हैं वो मुसलमान मक्के मदीने में 100 सालों से रह रहे हैं, मिसाल के तौर पर ये जस्ट में एक मिसाल दे रहा हूँ। इसी तरह सिख यहाँ से गए हैं, तो उनको हम कहें कि भाई बाबा गुरु नानक का जो है बत प्लेस है या दूसरा प्लेस है। अब मैं जब वहाँ गया तो पता चला कि वो कह रहे हैं हम एयरपोर्ट बनाने के लिए तैयार हैं। इसी तरह हिंदुओं का जो है मुकद्दस जो है बलूचिस्तान में जगह है, वहाँ भी अच्छा खासा हम कमा सकते हैं जी। तो ये चीज़ अगर पाकिस्तान के सर्वाइवलिटी के लिए और पैसे के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ये कमेटी का मैं इंचार्ज था, फिर ये सिफारिशात की सेनेट ने अडॉप्ट की, गवर्नमेंट को हमने भेजी, ये दो चीज़। तो तीसरा जो है हमारे पास रजा रबानी ने एक फ्रेंडशिप ग्रुप बनाया, तो अपनी मर्जी से उन्होंने हर सेनेटर को मुख्तलिफ कन्वीनर बनाया, तो मुझे इन्होंने इंडिया पाकिस्तान जो है पार्लियामेंट्री ग्रुप का इंचार्ज बनाया। उसमें रहमान मलिक था, फरतुल्ला बाबर था, जनरल वो जो मुस्लिम लीग का जो है कयूम वो था, सतारा हयात थी, नुसरत सादिक थी सेनेटर्स, ये एक दो और नाम मेरे जहन से निकल गए होंगे। तो मैं कन्वीनर था, मैं उसकी भी मैंने 3-4 मीटिंग्स बुलाई, तो सब ये कह रहे थे कि भाई हमें इंडिया विजिट करनी चाहिए पार्लियामेंट, तो वो इजाज़त नहीं मिली।
फिर हमने कोशिश की कि भाई देखें तीन आवाम को बताने के लिए, मिसाल के तौर पर सारी दुनिया में तीन टेयर्स होते हैं, समझाने के खातिर बता रहा हूँ। मिसाल पाकिस्तान की जो GHQ है उसकी पेंटागन से होगी, ठीक है ना। इसी तरह पाकिस्तान की जो फॉरेन ऑफिस की स्टेट डिपार्टमेंट होगी, मैं समझाने खातर। तीसरी जो टीयर होती है पाकिस्तान की पार्लियामेंट की जो है वहाँ की सेनेट या कांग्रेस से होगी। ये थर्ड टीयर हमारा नहीं है सारी दुनिया में, जिसकी वजह से हमारे मसले फंसे पड़े हैं। तो बेल्ट एंड रोड कमेटी का भी मेंबर रहा हूँ, अच्छा। तो उसमें भी हम गए चाइना विजिट करने, शिंग्यांग, बीजिंग, दूसरी जगहों पर जी। तो वहाँ भी बड़ी मालूमात पड़ती है, तो इस कमेटी की हैसियत से एज अ पार्लियामेंटेरियन मैं कह रहा हूँ। ईरान भी मुझे इत्तेफाक से मुझे पाकिस्तान को लीड करना पड़ा किसी कॉन्फ्रेंस में जी। केमिन आइलैंड में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, अकेला मैं पाकिस्तान की तरफ से गया था, अच्छा। वहाँ जो कॉमनवेल्थ की कोई थी रिप्रेजेंट पाकिस्तान, कनाडा में भी हम गए थे रुकन बनकर, और स्विट्जरलैंड में पाकिस्तान में अकेला रिप्रेजेंट किया जिसमें SDG की रेजोल्यूशन के लिए मैंने कमिटमेंट की। तो ये और कोरिया में भी शायद वाटर कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ हम गए थे। तो इससे ये होता है कि भाई एक फीलिंग होती है कि यार हमने पाकिस्तान के लिए, अगर हमारी पार्टी ने भेजा है हमें सेनेटर बन के, तो हमने कुछ ना कुछ तो कोशिश की कुछ ना कुछ होना चाहिए। बहुत सी चीज़ों में कामयाबी नहीं हुई, बहुत सी में हुई है। मिसाल मैं ये चाह रहा था एज अ डॉक्टर कि एक कानून साजी हो जिसमें जो शादी होती है जी। लड़का लड़की की, तो उसकी जो ब्लड टेस्ट होने चाहिए सही। तो उससे हमें हीमोफीलिया और जो ब्लड की जो बीमारियाँ हैं उसका पता चले, सो देट कि अगर वो है तो फिर, क्योंकि बच्चों में ट्रांसफर हो जाती है सही। और बच्चों की लाइफ स्पेन आजकल तो बढ़ रही है मगर बहुत कम होती भी है जी। तो उसमें मुझे नाकामी हुई थी, उस रेजोल्यूशन पास नहीं हो सका था। तो मतलब बहुत सी चीज़ें हमने चाहा कि चीज़ें हो जाएं, और बहुत सी चीज़ें हुई, बहुत सी चीज़ें नहीं हुई, मगर ये कि जितना हो सका हमने कोशिश की कि चीज़ें हों जी। सही, ओके जी, ग्रेट। ओके जी, लिसनर्स एंड व्यूवर्स, आपको बताते चले एक दफ़ा फिर के शऊर फाउंडेशन के तआवुन से ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, हम आहंग फॉर राइट्स हकूक सीरीज, और आज हम बात कर रहे हैं कानून साजी में सेनेट के किरदार के हवाले से। और जैसे कि आप सुन भी रहे हैं, और हमारे साथ डॉक्टर करीम अहमद ख्वाजा, साबिक सेनेटर और चेयरमैन सिंध मेंटल हेल्थ अथॉरिटी मौजूद हैं। और क्वेश्चन मेरा सर आपसे ये है नेक्स्ट, के क्या आप समझते हैं कि आवाम को मौजूदा सियासी सूरत हाल पर हुक्मरानी या सियासी निज़ाम पर भरोसा है? देखिए बात सुने, इस वक्त राजुल वक्त जो तरीका है जी। वो देखें, ये जो डेवलप हुआ है बड़ी मेहनत से दुनिया में सारी में जी। जो इस वक्त राजुल वक्त जो तरीका है 250 साल की मेहनत है। 250 साल पहले जो है दुनिया में मुख्तलिफ वाक़ियात हुए, जिसमें इनकलाब फ्रांस आया जी। जिसने लिबर्टी, फर्टिलिटी और इक्वलिटी की बात की, और उसी दौरान जो है अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बना, और जॉर्ज वाशिंगटन ने ये एक लिबर्टी का कॉन्सेप्ट दिया जी। और तीसरा जो है अपना वुमेन्स की राइट्स की बात हुई, स्लेवरी ख़त्म हुई आपकी, जिसमें जो है इब्राहिम लिंकन का रोल है, ब्रिटिश पार्लियामेंट का रोल है, पार्टीशन भी हुआ। तो राइजुल वक्त तरीका सारी दुनिया में डेमोक्रेसी और वन मैन वन वोट, सॉवरेंटी ऑफ द पीपल है एंड सॉवरेंटी ऑफ द पार्लियामेंट है जी। के जो हक है वो आम आदमी को है, हर कोई बराबर है, कोई डिवाइन राइट किसी को नहीं है। पहले बादशाह होता था ना, उसके पास डिवाइन राइट होता था, नया डिवाइन राइट का कॉन्सेप्ट फ्रांस के इनकलाब के बाद चीज़ें ख़त्म हुई। उसके बाद रूस का इनकलाब आया जिसने बराबरी और इकोनॉमिकल उसकी की, फिर चीन का इनकलाब आया, क्यूबा का आया। तो ये जो वाक़ दुनिया की तारीख में हुए,
उसकी रिफ्लेक्शन आपको हर जगह नजर आएगी। तो ये अगर इस वक्त मिसाल के तौर पे मैं ये कहूँ कि नहीं अकबर बादशाह का वक्त अच्छा था जी। या जो फलाने बादशाह का वक्त अच्छा था या फलाने एम्परर का वक्त अच्छा था, वो तो बेवकूफ़ी होगी ना। इस वक्त तो सारी दुनिया में राजुल वक्त तरीका है कि औरत और मर्द वोट देगा, पार्लियामेंट बनेगी जी। पाकिस्तान में भी अगर इसको तरक्की करनी है इकोनॉमिकली फाइनेंशियली और सूबों को साथ रहना है और खुदा करे आखिर तक रहेंगे तो फिर ये डेमोक्रेसी के थ्रू ही हो सकता है। हाँ, यहाँ ऐसी कुव्वतें ज़रूर हैं कि जो कि ये बदमनी और या कन्फ्यूजन और इस तरह पैदा करते हैं कि भाई जो है या डेमोक्रेसी नहीं रहे या कुछ और आए, तो पाकिस्तान तो नहीं रह सकेगा क्योंकि ये हादसा हो चुका है। डेमोक्रेसी होती है, अगर पार्लियामेंट होती, सेनेट होती, नेशनल, तो बांग्लादेश आज़ाद तो नहीं होता हमसे जी। फिर तो कोई ना कोई रास्ता निकल आता। तो अगर यहाँ डेमोक्रेसी नहीं होती तो फिर एक ही सूबे की हुक्मरानी होती है। तो यहाँ अगर मुल्क को चलाना है तो फिर डेमोक्रेसी है। बाकी करप्शन की बातें हैं, करप्शन के हर कोई खिलाफ है, सारी दुनिया में हर आदमी करप्शन के खिलाफ है, हर जगह जो है। मिसाल हमारे पास जब पाकिस्तान बना तो अयूब खोड़ो चीफ मिनिस्टर था, उसको हटाया गया, उसको कहा गया कि भाई आप जो है कराची को जो है फेडरल कैपिटल करें। उसने कहा कि मैं फेडरल कैपिटल भरे मैं 1,000 एकड़ में ज़मीन दूंगा, सारा नहीं दूंगा, क्योंकि सिंध असम्बली राज़ी नहीं थी। सही। तो उसको हटाया गया और वहाँ जो है उस पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने टाइपराइटर चुराया है। तो आप समझ गए बात को? तो इस तरह चीज़ें नहीं चलती हैं भाई। आपको डेमोक्रेसी के तहत पाकिस्तान बना है, वोट के ज़रिए बना है, असम्बलीज ने वोट दिए थे कि भाई हम इस मुल्क में शामिल होंगे, तो यहाँ कोई और सिस्टम तो नहीं चलेगा। यहाँ तो सूबों को भी राइट देने हैं और मुल्क को चलाना है, और राजुल वक्त तरीका सारी दुनिया में यही है, कोई और सिस्टम तो नहीं चल सकता यहाँ। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 18वीं तरमीम का सहरा मिलना चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है और इस तारीखी तरमीम ने पाकिस्तान में जमहूरियत को कैसे मजबूत किया, अगर आप इसके बारे में कुछ देखिए अगर आप तारीख पढ़ेंगी तो उसमें जो है कायदे तो मोहम्मद अली जिन्ना और कांग्रेस की इस बात पर नहीं बनी कि कांग्रेस जो चाह रही थी वो चाह रही थी कि सेंट्रलिस्ट सिस्टम हो गवर्नमेंट का, जबकि कायद अजम और मुस्लिम लीग उस जमाने में कह रही थी कि सूबों को राइट्स मिलने चाहिए जी। तो ये बात तो वहीं से शुरू हुई है। जब पाकिस्तान बना तो यही पता चला कि भाई सूबों को राइट्स मिलना चाहिए। बंगाल को हमने बंगाली को नेशनल लैंग्वेज नहीं किया, वहाँ से झगड़ा शुरू हुआ। उसके बाद जो है बंगाली कह रहे थे कि जूट हम कमाते हैं, सारा पैसा कराची में इस्तेमाल होता है क्योंकि कैपिटल था, ये वेस्ट पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है पैसा बंगालियों का था। तो यहाँ जो है सारी जंग जो है यही रही है कि भाई सूबों को राइट मिले। 18वीं तरमीम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्रेडिट जाता है, जनाब आसिफ अली जरदारी को जाता है, सारे दूसरी पार्टीज़ को भी जाता है, नून को या उस जमाने में वली खान वाली पार्टी थी या मौलाना फजल रहमान या बलोच नशे, सबको क्रेडिट जाता है, हाजल बेजन जो मालिक है सबको क्रेडिट जाता है जी। तो असवंद यार वली को या वो जो अफसार खटक थे दूसरे लोग थे सबको क्रेडिट जाता है, सारी पार्लियामेंट को। अब उसे सूबे मजबूत होंगे तो पाकिस्तान मजबूत होगा। ये कहना कि भाई अब एवरीथिंग सेंटर के पास हो कि भाई मिनरल भी सेंटर के पास हो, ज़मीनें भी सेंटर के पास हो, हर चीज़ सेंटर के पास हो, तो फिर तो चीज़ें नहीं चलेंगी ना। फिर तो पाकिस्तान में 72 साल 75 साल से यही झगड़ा रहा है। तो 18 अमेंडमेंट को अभी भी साजिश हो रही है कि 18 अमेंडमेंट को वापस किया जाए, ख़त्म किया जाए, सेंटर के पास अब पावर होने चाहिए। तो ये पार्लियामेंट का एक फैसला था, उसको पार्लियामेंट ही ख़त्म कर सकती है, और पार्लियामेंट ख़त्म क्यों करेगी जब सूबे चाहते हैं कि जो NFC के मद में हमें मिले, हमें जो है जो 18 अमेंडमेंट में चीज़ें हमें मिली हैं, बहुत सी ऐसी वजारतें हैं 12 से 18 जो अभी भी सेंटर के पास है जी। हम चाहते हैं कि वो भी सूबों को मिल जाए तो अच्छी बात है,
और सूबे मजबूत होंगे तो पाकिस्तान मजबूत होगा। जी बिल्कुल ऐसे ही। ओके लिसनर्स एंड व्यूवर्स, आपको एक दफ़ा फिर बताते चलें कि हम अहंग फॉर राइट्स हकूक सीरीज़ आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, शोरू फाउंडेशन के ताबून से ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। बात कर रहे हैं हम कानून साजी में सेनेट के किरदार के हवाले से। शोरू फाउंडेशन फॉर एजुकेशन एंड अवेयरनेस हम अहंग फॉर राइट्स प्रोजेक्ट के तहत यंग पार्लियामेंटेरियंस फोरम ऑफ नेशनल असम्बली के ताबून से रेडियो प्रोग्राम है। और जी आपको बताते चलें हमारे साथ डॉक्टर करीम अहमद ख्वाजा साहब मौजूद हैं। क्वेश्चन मेरा आपसे नेक्स्ट मेरे पास ये है कि हमें बताएं कि आपके सेनेट में पेश किए गए बिल्स की बिल्स का जो स्टेटस है वो क्या है या उसकी क्या हैसियत है, इस हवाले से क्या कहेंगे? मेरे बिल की बात या सबकी बात कर रहे हैं? आपके बिल की। देखिए मेरा जो है ये जो है ट्रांसजेंडर का वो पास हो गया जी, वो फिर शरीयत कोर्ट में चला गया जी, ठीक है। हालांकि जो ये शरीयत कोर्ट और शरीयत अपीलेट कोर्ट ये जनरल ज़िया के दौर की जो है चीज़ें हैं जी, और उसमें उन्होंने जो है बहुत सी जो शिकें हैं उनको जो है तोड़फोड़ कर दी। सही। मिसाल के तौर पर के आप अगर कहीं फॉर्म भरने जाएंगी या मैं भरने तो मैं लिखूंगा भी मेरा नाम करीम है, मेरे वालिद का नाम ये है, मेरी उम्र ये है, मैं जो हूँ मज़हब मेरा ये है जी। और मर्द और औरत में मैं लिखूंगा भाई मैं मर्द हूँ, ठीक है। सही। आप लिखेंगी भाई यही चीज़ें उस कॉलम में लिखेंगी मैं औरत हूँ, ठीक है जी। फीमेल है जी। तो ट्रांसजेंडर के लिए भी हमने कहा कि भाई अगर कोई कहता है कि भाई मैं ट्रांसजेंडर हूँ कोई भी जी, तो वो ट्रांसजेंडर लिखे जी। अब उन्होंने कहा कि नहीं इस पर डॉक्टर बैठा है कि ये वाकई में है या नहीं है। अच्छा। तो वो हमारे बिल में नहीं था, ये उन्होंने स्ट्राइक डाउन कर दिया। सही। जबकि जो है मिसाल के तौर पर दो तीन ऐसे मिसाल दिया है यहाँ से वो शरीयत अपीलेट कोर्ट खत्म कर देती है जी। जिस तरह ट्रांसजेंडर का क्या, इसी तरह तीसरा भी है 235 जिसमें सुसाइड का जो है जी, उसका भी अभी शरीयत अपीलेट कोर्ट में चला गया है। सही। तो अगर बिल्स पास होंगे भाई, लॉ ये कहता है, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट जो भी पास करेगी, इवन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और शरीयत अपीलेट कोर्ट, कोई भी उसको खत्म नहीं कर सकता है। सही। ठीक है ना, सिवाय इसमें ह्यूमन राइट्स के कोई इशू हो या वगैरह वगैरह, मगर ये अगर इस तरह अगर होगा तो फिर पार्लियामेंट की हैसियत क्या रहेगी? बिल्कुल। मिसाल इसमें तो लैंड रिफॉर्म में तो लाखों लोगों को करोड़ों को फायदा हो रहा था जी। इसी तरह ट्रांसजेंडर का है तो ये एक कम्युनिटी लाखों सालों से हजारों सालों से है और वो खुद तो नहीं है, उसको कुदरत की तरफ से कोई ट्रांसजेंडर बन जाता है पैदाइशी तौर पर, या फिर जो है ये जो सुसाइड वाले इशू पर अभी ये भी पड़ा है वहाँ चला गया है वहाँ शरीयत पे, तो फिर तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट की कोई हैसियत नहीं रहेगी, फिर तो रबर स्टैम्प हो जाएगी जो होना नहीं चाहिए जी। और जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा भी इसी तरह ही है। सही। तो ये चीजें मेरे ख्याल से अदालतों को सोचना चाहिए जी। और ये चीजें नहीं होनी चाहिए। सही। अच्छा हमें सिंध मेंटल हेल्थ अथॉरिटी के बारे में बताइए जरा। जनाब ये पहले 18 अमेंडमेंट से पहले एक कानून था जिसका जिसको कहते हैं ल्यूनियनसी एक्ट जी। ल्यूनियनसी एक्ट वो एक्ट था जो कि अंग्रेज ने बनाया था 1912 में। उस एक्ट में ये था कि भाई अगर कोई दिमागी तौर पर ठीक नहीं है तो उसको उठाकर जो है SDM और DC उसको जो है पागलखाने भेज दे, या कोई फैमिली में डिस्प्यूट हो तो किसी को पागल करके भेज दे, मतलब ये चीज़ें मिसयूज ह्यूमन राइट्स के हवाले से, जो मेंटली इल पेशेंट थे या उनके प्रॉपर्टीज है वो किस तरह मैनेज होगी। सही। तो जब 18 अमेंडमेंट आया तो फिर हर सूबे को मेंटल हेल्थ अथॉरिटी बनानी थी, तो सिंध सूबे की पार्लियामेंट ने 2013 में सिंध मेंटल हेल्थ अथॉरिटी बनाई। सही। अच्छा उसमें 14 में सिंध मेंटल हेल्थ अथॉरिटी में कुछ तरमीम हुई और अथॉरिटी 2017 में बनी। सही। तो उसमें मैं साइकेट्रिस्ट था प्रोफेशन वाइज प्रैक्टिसिंग, और तो मुझे चीफ मिनिस्टर सईद मुराद अली शाह ने रखा उसमें
मेंटल हेल्थ अथॉरिटी के चेयरमैन, अभी सेकंड मेरा टेन्योर चल रहा है 25 तक है, कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट है। सही। इसी तरह पंजाब में बाद में बना, हमारे बाद बना, ठीक, और वो इतना कारामद नहीं हुआ, इतना इफेक्टिव नहीं है। और उसके बाद केपी में भी बना मगर सुना ही कम दे रहा है उसके बारे में। सही। इसी तरह बलूचिस्तान में बना, वो भी इतना फिलहाल इतना कारामद नहीं है। सिंध मेंटल हेल्थ अथॉरिटी को ये जो है ये नंबर वन पर जा रही है। अभी कोई प्रेसिडेंट हाउस में आज से 2-3 महीने पहले एक मीटिंग हुई थी जिसमें एक्नॉलेजमेंट प्रेसिडेंट ने भी की थी कि सूबे सिंध की जो है सिंध मेंटल अथॉरिटी ने ज़्यादा काम किया। हमने रिसर्चेस की है, हमारी जो मेडिकल कैंप्स लगी हैं, अवेयरनेस लेक्चर्स दिए हैं यूनिवर्सिटीज़ में, सिविल सोसाइटी को, मुख्तलिफ सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। तो जो हमारे एक्ट में लिखा पड़ा है जी। उस अकॉर्डिंग टू दैट हमने वो सब चीज़ें की है। दूसरों को भी एक्टिव होना चाहिए, मतलब इस्लामाबाद में जो टेरिटरी है उसमें कोई इस्लामाबाद मेंटल हेल्थ अथॉरिटी नहीं है जी। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में नहीं है जी। इसी तरह आज़ाद कश्मीर में नहीं है। तो उस पर काम की ज़रूरत है, वहाँ के लोगों को या वहाँ के साइकेट्रिस्टों को, यहाँ के लेजिस्लेटर्स को चाहिए कि वो इस पर तवज्जो दें, जो कि आपको करना है, इंटरनेशनल हवाले से भी करना है या लोगों को भी फायदा होगा इस हवाले से। हमारा काम है, हम लोगों गवर्नमेंट को लिखकर भेजते हैं, एक एडवाइजरी रोल है हमारा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हम कहेंगे कि भाई ये चीज़ें हो रही हैं यूनिवर्सिटीज़ में, ये वर्किंग प्लेस पर हो रही है, ये पब्लिक के हवाले से हो रही है, ये नशा हो रहा है, ये वार्ड्स होने चाहिए, यहाँ पोस्टिंग होनी चाहिए साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट की, सोशल वर्कर्स की। तो ये हमारा एक एडवाइजर रोल है। ज़्यादा उस एक्ट में जो थोड़ा बहुत रोल जो भी है वो हमें अदा करना चाहिए, वक्त के साथ रोल और भी ज़्यादा बढ़ सकता है जी। बिल्कुल सही है। और इसके अलावा आप कुछ शेयर करना चाहें जो आपको लगता है कि शेयर करना चाहिए लिसनर्स के साथ भी? देखिए, मैं आपके तवसुत से साइकेट्रिस्ट से शेयर करूँगा कि हमारे पास जो है आजकल बहुत सी ऐसी अमवात हो रही है जो कि रिपोर्ट नहीं हो रही है जी, खासतौर पर नौजवानों में जी। और वो नौजवानों में मिसाल के तौर पर सेक्स ड्रग्स हैं, वो लोग बच्चे खाते हैं, लड़के लड़कियां, और उससे जो है अमवात हो रही है मगर अंडर कारपेट जा रही है जी। दूसरा है पार्टी ड्रग्स जी, पार्टी ड्रग्स भी बच्चे खा रहे हैं और उसे भी अमवातें हो रही हैं जो कि अंडर कवर या अंडर कारपेट जा रही है। इससे पहले जो है हमारे पास नशे की गोलियां, नींद की और एंग्जाइटी की गोलियां लोग खाते थे जी। तो ये चीज़ें हो रही हैं, इस पर अवेयरनेस की ज़रूरत है। पेरेंट्स को भी देखना चाहिए, मीडिया पर भी बात होनी चाहिए, स्कूल्स कॉलेजेस में भी बात होनी चाहिए। इसी वजह से नशा भी जो आ रहा है नौजवानों में, उस चीज़ पर भी आपको नज़र रखनी चाहिए जी। इसके अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है जो कि बहुत ज़रूरी है। ओके अच्छा, इसके अलावा जो है आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को? देखें, दुनिया बड़ी खूबसूरत है, लोग बड़े अच्छे हैं, और आपको होप रखना चाहिए, स्ट्रगल करनी चाहिए, और जो है उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, और अपना सेहत का ख्याल करें, और माशरे में कोई कंट्रीब्यूशन करें, जो भी आपकी हैसियत है अकॉर्डिंगली करें, और इंशाल्लाह फतेह आपकी है। बिल्कुल, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि थैंक यू वेरी मच, एंड वी हैड अ वेरी यूजफुल डिस्कशन टुडे अबाउट द टॉपिक। अगर हम बात करते हैं कि हमारा जो टॉपिक है रोल ऑफ सेनेट इन लेजिस्लेटिव बिजनेस, यानी शोर फाउंडेशन के तआवुन से ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, और हम बात कर रहे हैं कानून साजी में सेनेट के किरदार के हवाले से। और थैंक यू सो मच, हमारे साथ डॉक्टर करीम अहमद ख्वाजा मौजूद हैं, साबिक सेनेटर और चेयरमैन सिंध मेंटल हेल्थ अथॉरिटी। और सेनेटर करीम ख्वाजा एक मुमताज़ सियासी रहनुमा हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी के सरगर्म रुकन, 2013 से 2018 तक सेनेटर रहे आप।
तो अब प्रोग्राम का टाइम भी चूँकि ख़त्म हो रहा है, आपसे हम इजाज़त चाहते हैं. थैंक यू सो मच. वेलकम वेलकम वेलकम. ओके जी लिसनर्स, अब मैं भी चाहूँगी आपसे इजाज़त. अपना ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह दोबारा आपसे ज़रूर मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह निगेबान. पाकिस्तान जिंदाबाद. Madam, please. For watching, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rohini, Sangha.